गुजरात में कैसा जल तांडव मचा है, इसकी गवाही देती ये तस्वीरें हैं गुजरात के नवसारी की। पूरा शहर पानी में डूब गया है। क्या सड़क, क्या खेत, क्या घर, सब पानी में डूबे हुए। 24 घंटे में नवसारी में 6 इंच से ज्यादा बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में हालात खराब होते जा रहे हैं। आप ड्रोन से लिए गए वीडियो में जहां तक देखेंगे वहां तक सिर्फ पानी ही नजर आएगा। हालात इतने खराब हो गए हैं कि करीब 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा है। एबीपी न्यूज की टीम ने नवसारी के अलग अलग इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरात के नवसारी में, और नवसारी का ये आप इलाका देख रहे हैं, जकात नाका इलाका है। इस वक्त पूर्णा नदी जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जो नदी से सटे हुए जितने इलाके हैं, इस जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है। और आप देखिए कि उस वजह से ही यहां पर कई लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है उनको ट्रैक्टर के इस्तेमाल से, मिनी ट्रक के इस्तेमाल से छोड़ा जा रहा है। नवसारी में रात से तेज बारिश चल रही है जिसके चलते नदियों उफान पे है। नवसारी के हम लोग इस समय बैसतखाड़ा इलाके में है, और बैसतखाड़ा इस इलाके में जो पूर्णा नदी का पानी है वो बढ़ चुका है, और पानी बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नवसारी प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जो पूर्व प्रभावित एरिया है, जो पूर्व प्रभावित इलाके है, वहाँ पे सभी लोगों को सुरक्षित सड़कों पे जाने के लिए कहा गया है। ऐसी ही तस्वीरें गुजरात के कई जिलों से लगातार आ रही हैं। नवसारी के करीब और गुजरात के बड़े शहर सूरत में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। अब आपको पुणे लिए चलते हैं। पश्चिमी भारत के इस हाईटेक शहर में पानी ने कहर मचा रखा है। कल और आज की दो तस्वीरें दिखाते हैं। कल घरों में पानी भर गया था, रेस्क्यू के जरिए करीब 70 लोगों को बचाया गया। आज भी शहर में हालात गंभीर ही हैं। पूरे शहर में पानी भरा है। अभी भी शहर में सड़कों पर बचाव के लिए लाइफ जैकेट के साथ नावें तैनात हैं। बाढ़ बारिश से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं। खरगोन से डरावनी तस्वीर आई। एक छात्रा कोचिंग से लौट रही थी, अचानक जलस्तर बढ़ जाता है और पुलिया में छात्रा महक फंस जाती है। वो तो भला हो जफर पठान का, जो इंसान के रूप में देवदूत बनकर आए और जान पर खेलकर महक को बचाया। थोड़ी सी देर होती तो हादसा हो जाता। 48 घंटे से लगातार कटनी जिले में बारिश का दौर जारी है, और आप देख सकते हैं गर्रा घाट पर मौजूद है। यहाँ पर दोनों ओर से जो लोग आते हैं उनको रोक दिया गया है। ये नदी का पानी 1 घंटे से अधिक हो चुका है, यहाँ से बह रहा है। कितने गांव इधर फंसे हुए रहते हैं? यहाँ तो बहुत गांव फंसे हुए हैं। अभी उनकी गिनती हमको तो नहीं है, लेकिन पूरी तहसील फंसी है। भीमरखेड़ा तहसील पूरी फंसी रहती है, और अगर कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो उसके जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ये वक्त मुश्किलों का है। देश के कई हिस्सों में जल तांडव मचा है। उम्मीद है कि देश जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलेगा और भविष्य के लिए बाढ़ से बचने का बेहतर रोड मैप तैयार करेगा।